हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन, जिसको कि मैं कहूँ कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो विंडशील्ड वाइपर मोटर होती है और विंडशील्ड जो वॉशर लिक्विड होता है उसके फ्लो के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा हम सभी को पता है कि हर गाड़ी में यहाँ पर ये जो स्विच होता है, ये वाइपर मोटर को ऑन करने का होता है। जैसे हम इसको ऊपर की तरफ दबाते हैं, सामने की तरफ से पानी आता है और विंडशील्ड को साफ कर देता है। तो ये एक बेसिकली फंक्शन है जो कि हर गाड़ी में काम करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मोटर का प्रेशर है वो कभी आउट जाता है, कभी नहीं आता है। तो ये चीज़ इस गाड़ी में भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हर एक छोटी छोटी फंक्शन जब काम नहीं करता तो धीमे धीमे वो गाड़ी जो है ऐसा लगने लगता है कि इसमें तो कुछ भी काम नहीं करता। एनीवेज, तो ये एक छोटा सा फीचर है जो कि हम आज डायग्नोस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि ये हमने अभी फिलहाल की ऑन किया है, और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ तो ये जो पानी है ये आ नहीं रहा है ठीक से। और ये जो ऊपर वाला है ये देख सकते हैं आप, ये इसमें वैसे चार जगह इसमें पानी आना चाहिए लेकिन ये दो ही जगह आ रहा है। राइट गाइस, तो सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। और उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें चाहिए होगी ये बहुत ही सिंपल सी एक थंब पिन है, जैसा कि मैं बता सकता हूँ, मतलब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक थंब पिन है। और इसके साथ में मैं यूज़ करने वाला हूँ एक पतली सी ऑल पिन। ये दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दो चीज़ें मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का साइज़ अलग अलग है, एक पतली और एक मोटी है, और हमें पता नहीं है कि उसमें कौन सी चीज़ फिट बैठेगी। तो सबसे पहले हम लोग बाहर चलेंगे, और बाहर चलने के बाद में उनके जो नोजल आउटपुट हैं उनका जो कचरा है वो पहले साफ़ करेंगे। तो बस यहाँ पर जो नोजल, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें दो छेद दिए हुए हैं, लेकिन दोनों में से जो एक छेद है वो पूरी तरीके से बंद है। जैसे इसको वाले को अगर मैं देखें तो सबसे पहले हमें इसमें ये पिन लगानी है जिससे कि इसका जो छेद है वो खुल जाए, और सेम पिन हमें इसमें लगानी है। याद रखिएगा कि इस पिन को सीधा सीधा ही लगाना है, क्योंकि अगर हमने इसको हिलाया तो इसमें एडजस्ट करने वाला फंक्शन भी होता है, तो इसका जो फोकस है वो एडजस्ट हो जाता है। फिलहाल अभी हमें सीधा सीधा करना है। तो ये दोनों छेदों को हमने साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद में थोड़े मोटे वाले से भी इसको साफ करेंगे, हालांकि ये मोटा काफ़ी ज़्यादा है तो ये नहीं आएगा। एनीवेज, हमने उसको साफ़ कर दिया। अब हम इस वाले को साफ करेंगे जो इस तरफ है। तो भाई अब हम इसके दूसरे वाले को करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक में से पानी निकल रहा था, वो भी हल्का हल्का सा। तो पहले हम इसमें पिन डालेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से साफ कर देंगे, और उसके बाद में जो दूसरा वाला है उसको भी साफ करेंगे। अभी चारों पिनों के होल जो है वो हमने बराबर कर दिया। भाई अंदर चलते हैं और एक बार चेक करते हैं कि फोकस किस तरफ आ रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी ज़्यादा आउट जा रही है। तो जो लेफ्ट साइड में राइट वाली है वो थोड़ी सी बहुत ऊपर जा रही है, और वो भी काफ़ी ऊपर जा रही है। बाकी ये जो दो हैं ये दोनों बिल्कुल ठीक चल रही हैं। तो आइए उस तरफ वाली को थोड़ा सा नीचे करते हैं, और उस वाले का जो प्रेशर है वो रूफ तक आ रहा था तो हमें उसको थोड़ा सा नीचे करना होगा। तो बस इसको सेट करने के लिए हमें पिन को बस इसमें डालना है और फिर इसको नीचे की तरफ दबाना है। सेट में पहले ही कर चुका था, पॉज रह गया था, तो बता रहा हूँ बस आपको, जिससे ये ऊपर भी चला जाता है और ये नीचे भी आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों को सेट करना है। तो गाइस हमने इसको सेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम चला रहे हैं तो पूरा पानी जो है विंडशील्ड पर ही आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से फिर हम इसको साफ भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो गाइस आप देख सकते हैं कि
ये एक छोटी सी प्रैक्टिस करके हम अपना जो एक यूटिलिटी है उसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। और इसके लिए कई बार हम किसी मैकेनिक के पास में जाते हैं, किसी सर्विस वाले के पास में जाते हैं, तो वो भी हमें सीधे सलाह दे देता है कि भाई आपका नॉजल जो है वो चौक हो गया है, अब आप इसको चेंज करवा लीजिए। जबकि इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है, मैंने जो आपको बताया, इस पिन के थ्रू, ये जो एक छोटी सी पिन है, इस पिन के थ्रू भी हम ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।